नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शरद। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है तंबाकू बीड़ी सिगरेट की लत को कैसे छोड़ें। तंबाकू बीड़ी सिगरेट गुटखे में 70 से ज़्यादा ऐसे केमिकल होते हैं जो आपके शरीर में कैंसर पैदा कर सकते हैं। तंबाकू खाने से मुंह का कैंसर होता है विशेष रूप से, और आप धूम्रपान करते हैं उससे फेफड़ों का कैंसर होता है क्योंकि धुआं जाता है फेफड़ों में। तंबाकू सिगरेट बीड़ी के पैकेट पे भी लिखा होता है कि इसको खाने से कैंसर होता है, जानलेवा होता है। कई लोग इसे छोड़ना भी चाहते हैं लेकिन बहुत से कारण होते हैं जिससे वे इसे छोड़ नहीं पाते हैं। जो इसे छोड़ना चाहते हैं पर लंबे समय से उनको इसे खाने की आदत है और एकदम से जब इसे बंद कर देते हैं तो बॉडी में इसकी डिमांड बढ़ती है और जिसको एक लोकल भाषा में हम कहते हैं कि इसकी तलब लगती है, और जब तंबाकू की तलब लगती है और फिर वो ना मिले तो फिर मूड एकदम अपसेट हो जाता है। किसी काम में मन नहीं लगता, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, किसी भी चीज़ में ध्यान नहीं लगता। अब ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, कैसे इसे छोड़ सकते हैं? देखिए, दो तरीके हैं। एक तो आपके मन की इच्छा शक्ति, यदि आप मन में ठान लेंगे कि छोड़ना ही है तो फिर आपको कोई इसे छोड़ने से नहीं रोक सकता। फिर तंबाकू में 70 तरह के ऐसे केमिकल होते हैं जिनके खाने से आपको कैंसर होने की संभावना होती है, लेकिन आपके शरीर को जिस केमिकल की आदत होती है, जो आपको किक देता है, फील गुड फीलिंग देता है, जिसके कारण आपको नशा चढ़ता है साधारण भाषा में बोले, वो केमिकल है निकोटिन। निकोटिन से कैंसर नहीं होता है लेकिन आपको उसका फील गुड फीलिंग आती है उस। तो आपके शरीर को तंबाकू की आदत नहीं है, आपके शरीर को निकोटिन की आदत है। तो इस जब आप तंबाकू खाना बंद कर देते हैं शरीर में तलब लगती है, और यदि आप इसे वाकई में छोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए निकोटिन के च्युइंगम्स बाज़ार में उपलब्ध होते हैं। आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर निकोटिन च्युइंगम जब इस्तेमाल करते हैं, जैसे 10 सिगरेट दिन में पीने की आदत है, अब आपने इसे छोड़ने का डिसाइड किया, डिसाइड करने के बाद में आप अगले दिन से एकदम से पूरी बंद कर देते हैं तो शरीर में निकोटिन की डिमांड बढ़ जाती है। फिर आप कहीं पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, कई लोगों को मोशन क्लियर नहीं होता है, तो इस तरह की अलग अलग प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो एकदम से निकोटिन की डिमांड को आपको कम नहीं करना है। जैसे पहले आप 10 सिगरेट पीते थे, अगले दिन आप 9 सिगरेट लीजिए, उसके बाद 8 लीजिए, उसके बाद 7 सिगरेट लीजिए, ऐसे हर एक दिन सिगरेट की मात्रा कम करते करते धीरे धीरे उसे पूरी तरह से बंद कर दीजिए। और इसे बंद करने के बाद भी जब शरीर में तलब बार बार उठती है तो निकोटिन च्युइंगम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तलब उठेगी आप च्युइंगम को चबा लीजिए। च्युइंगम को चबाने के बाद में आपके शरीर में जो निकोटिन की डिमांड हुई है जिस वजह से आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, च्युइंगम उस डिमांड को ख़त्म कर देगा और इससे आपको वापस से फील गुड फीलिंग आने लगेगी, वही किक मिलने लगेगी। लेकिन निकोटिन भी आपके शरीर के लिए नुकसानदेह है। हृदय रोगियों को, हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ों को, और भी डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को इसका उपयोग अपने डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह से निकोटिन च्युइंगम का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस च्युइंगम को चबाने के बाद भी धीरे धीरे इसका डोज भी आपको कम करना है। यदि आप सिगरेट को छोड़कर या तंबाकू को छोड़कर निकोटिन च्युइंगम पर शिफ्ट हो गए हैं तो धीरे धीरे, जैसे दिन में आप 4 या 5 च्युइंगम खाते हैं, फिर इसको 3 पर आइए, फिर अगले दिन से 2 च्युइंगम खाइए, फिर उसके 2-4 दिन बाद से 1 च्युइंगम खाइए, धीरे धीरे आपको निकोटिन च्युइंगम की मात्रा को भी अपने आदत से बाहर निकालना है, क्योंकि निकोटिन च्युइंगम से भी आपके शरीर में कई सारे हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। इसके अलावा तंबाकू धूम्रपान की लत को छोड़ने के लिए कुछ होम रेमेडीज़ भी है, आइए इन्हें देखते हैं। पहली रेमेडी है 100 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम सौंफ, 30 ग्राम सेंधा नमक और 2 बड़े नींबू का रस इसमें निचोड़ लीजिए और इन्हें तवे पर सेंक लीजिए। सेकने के बाद जब इसका जो मॉइस्चर है, नमी है, ख़त्म हो जाती है तो इसे आप एक पैकेट में रख सकते हैं, और जब आपको तंबाकू खाने की इच्छा हो तो इस मिश्रण में से थोड़ा सा लेकर आप उसे आप दांतों के बीच दबा कर रख लीजिए और धीरे धीरे उसका रस चूसते जाइए। दूसरा तरीका यह है, जिन लोगों को मोशन क्लियर नहीं होता है विशेष रूप से, उन्हें इस रेमेडी का यूज़ करना चाहिए। रात को सोने के पहले और सुबह उठकर भी आपको एक ग्लास गुनगुने पानी में नींबू का रस और शहद मिलाकर पीना है। इससे भी आपकी निकोटिन की डिमांड बॉडी में धीरे धीरे कम होगी। जिन लोगों को तंबाकू के बिना मोशन क्लियर नहीं होता है, उन लोगों के लिए भी एक और रेमेडी है,
सूखे आंवले के कुछ टुकड़े, हरड़ के कुछ टुकड़े और सौंफ रात को सोने के पहले लीजिए, तलब कम होगी और मोशन क्लियर नहीं होने की समस्या ख़त्म हो जाएगी। अगली रेमेडी है, अदरक को बारीक चॉप कर लीजिए, काट लीजिए बारीक बारीक टुकड़े इसके, उसमें नींबू का रस मिलाइए, इसमें थोड़ा काला नमक मिला लीजिए और इसे धूप में सुखा लीजिए। जब इनका पानी पूरा उड़ जाए, एकदम ये सूख जाए पूरी तरह से, तो इसे अपने पास रख लीजिए और जब भी आपको तंबाकू खाने की तलब लगती है उस समय आप इसे दांतों के बीच में दबा लीजिए। इसको दबाने के बाद में आप इसका रस धीरे धीरे चूसते जाइए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। नमस्कार।